किसी की बरात नहीं देखे थे, इस बरात से भगवान बचा ले। अब तो ऐसे ऐसे कहते सब छिप गए, लेकिन जो बच्चे थे बच्चे अपने माई बाप के पास पहुंचे। माई दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा बंद कर ले। अरे क्या, अरे बाद में बताऊंगा, पहले दरवाजा बंद कर ले। सब रे बच्चे अपने अपने दरवाजा, दरवाजा में दो दो ताला। क्या हुआ, बारात कैसी लगी? बोले मैया प्राण बचेंगे तब तो बारात देखेंगे, ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। मैया भूत अकड़े पकड़े ऐसे ऐसे लोग। हम तो यही कहते हैं जो जीता रहेगा वही बारात को देख पाएगा, जो देखेगा वो बचेगा तो है ही नहीं। मैया दोबारा बारात देखने के लिए मत कह। बच्चों ने पापाओं को समझाया, माताओं ने सोचा ऐसा क्या बारात में। माताएं सोची चलो छत में जाकर हम भी देखें। बारात पास में पहुंची, माताएं गई। जो माताएं कुछ ठीक ठाक थी हिम्मती तो बाहर अंदर आ गई, लेकिन जो माताएं कमजोर दिल की थी छत से नीचे कूद गई बरातियों को देखकर। उसी समय माता मैना को पता लगा दूल्हा आ गया है, जरा आरता करने जाऊं। जैसे आप लोग दूल्हा का आरता करने जाते हैं, सोने की थाल सजाया मैया मैना ने आरता करने के लिए। सखियां गीत गाती हुई जाती हैं, मैया सर नीचे की, मैना बड़ी मगन है। ऐसे आरती सोचती रहती है ना आप लोग, कैसे आरती उतारना, ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। ऐसे ही मैया मैने सोचती हुई सर नीचे की हुई जा रही हैं। जैसे बारात सामने आई, माँ टीका लगाओ और आरता उतारो। मैया मैना ने सोने की थाल से चंदन को लिया, और चंदन को लेकर जैसे हाथ ऊपर किया, सो भोले बाबा का नागराज आगे बढ़ गया। अरे दैया मैया कर कर वही थाली फेंकी, मैना भाग गई अंदर। और मैना भाग कर रोने लगी, अरे राम राम, ऐसे बावरे पर के लिए मेरी बेटी हजारों साल तक तप किया है। मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, लेकिन ऐसे बावरे बल से अपनी बेटी का ब्याह कभी नहीं करूंगी। अरे मेरी बेटी के लिए नारद क्या जाने, जिसके बेटी नहीं वो बेटी का दर्द क्या जाने। अरे नारद ने मुझे ऐसी शिक्षा दिया। 1000 गाली नारद जी को। जो बीच बैक होता है ना शादी कराने वाला, ये आज की बात नहीं पुरानी बात है, पहले से चली आ रही परंपरा। बीच वाले को गाली जरूर पड़ती है। बोलो राधे राधे। यदि अच्छा लड़की निकल गई तो लड़का वाले तो गाली नहीं देंगे, पर भी लड़की वाली देंगे, पता नहीं कैसे फंसा दिया मेरी बेटी को। भाग्य को दोष नहीं, पर बिचई को गाली मिलती है। अब नारद जी बीच वाले फंसे चक्कर में। भगवत प्रेमियों, जननी सासनात सत्यः ससुतो निर्जराधिपः बालात् धृत्वा ददौ दण्डं विधिं निर्जरानपि। अब तो मैया ने बड़े कठोर शब्द कहे, तब माता पार्वती आकर स्वयं कहती है, माँ यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही पर लिखा है तो माँ कौन मेट सकता है। माँ ये तो दुनिया का नियम है, जन्म विवाह मरण गति होई, जो जहां लिखा तहां तस होई। जैसा मेरे प्रारब्ध में लिखा है माँ मुझे ऐसा ही वर मिलेगा, आप यथा खेद ना करें। उसी समय नारद जी प्रकट हुए, और नारद जी आकर मैना को सब कुछ समझाया, आपकी बेटी कोई साधारण जगत जननी जगदम्बा है, जन्म जन्म से शिव की पत्नी है, यह पूर्व जन्म में सती थी, आपकी बेटी बनकर आई है, आपका सौभाग्य है। जो इसका दूल्हा है वो तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा भेष बनाया है, बाकी वह जगत पिता परमात्मा दुनिया के सबसे सुंदर वर के पुरुष के रूप में वह सदा शिव है। भगवान शिव से ज्यादा सुंदर कौन होगा। शिव का कलर कैसा है, कपूर जैसा। कपूर कितना सफेद होता है, आप लोग गाते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ मां सुंदर हैं, आप जाकर देखो। अभी आप दूसरी दृष्टि से देखते थे, अब आप सुंदर दृष्टि से जाकर देखो। मैना अब पुनः आरती को मोह दूर हुआ, और मैना जैसे ही थाल को लेकर आरता करने गई, अब माँ ने जैसे आरता किया, अब माँ को वही वर सुंदर दिखने लगा। माँ सब कुछ भूल गई और उसके अंदर प्रेम जगा, और शिव शांत रूप में दिखाई दिए, सुंदर टीका लगा है। अब तो सखियां बड़ी खुश हुई। इधर माता पार्वती को लेकर सखियां आई हैं, और भगवत प्रेमियों सुंदर शुभ मुहूर्त पर माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में माला को पहना दिया।
बोल गौरी शंकर भगवान की जय। जैसे माता पार्वती जी की माला पड़ी है, कोहबर लीला और लीला हम कल बताएंगे।